नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको बिल्कुल लेटेस्ट गला बनाने का बिल्कुल एक आसान तरीका। दोस्तों, ये जो हम गला बनाएंगे बगैर बुकरम का बनाएंगे, इसमें हम पेपर पेस्टिंग, जो पेपर फ्यूज बोलते हैं जिसको, वो यूज करेंगे। दोस्तों, ये जो पेपर फ्यूज होती है, एक साइड ये शाइनिंग वाला होता है जिसमें फ्यूल लगा होता है, एक साइड से ये रफ होता है। जो फ्यूल वाला हिस्सा होता है दोस्तों, वो फैब्रिक के ऊपर पेस्ट हो जाता है, चिपक जाता है, और एक साइड ये रफ होता है जिसके ऊपर हम प्रेस करते हैं तो ये चिपक जाता है। दोस्तों, तो ये मैंने कमीज का कपड़ा लिया है, कमीज फ्रंट कटिंग किया हुआ है दोस्तों, जहाँ पे हम ये नेक डिजाइन बनाएंगे, और ये मैंने डिजाइन के लिए ब्लू कलर का कपड़ा लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पेपर फ्यूज कटिंग करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, तो सबसे पहले हमने पेपर फ्यूज कटिंग करनी है। पेपर फ्यूज हमने तकरीबन जहाँ तक हमारा गला आता है वहाँ तक हम कटिंग करेंगे। जैसे हमारा गला 7.5 इंच तक आता है, तो हमें थोड़ा नीचे तक ये पेपर फ्यूज कटिंग करनी है। 11 इंच तक हम पेपर फ्यूज की कटिंग करेंगे। सेम इसी प्रकार जैसे शर्ट की कटिंग करते हैं, इसी प्रकार ये पेपर पेस्टिंग फोल्ड करते हैं डबल में। और जो मैंने दिखाया था आपको 11 इंच तक, वहाँ तक हम ये निशान लगाते हुए सेम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने पेपर पेस्टिंग कटिंग कर लिया है, अब हम इसको प्रेस से पेस्ट कर लेंगे। जो कमीज का हम फ्रंट रखेंगे, रोंग साइड ऊपर की साइड रखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों, और पेपर फ्यूज को इस तरीके से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। दोस्तों, इस प्रकार हमने पेपर पेस्टिंग अच्छी तरीके से पेस्ट कर लिया है कपड़े के ऊपर। अब हम इसकी सीधी साइड करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे। हल्का सा निशान लगाना है, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं, एक राउंड नेक का निशान लगाएंगे। जैसे हमने 6 इंच ब्रॉड रखना है, 6 साढ़े 6, तो हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, और डीप रखेंगे यहाँ से 6.5। 6.5 के बाद हम एक गोलाई में इस प्रकार निशान लगाएंगे। ये हमारा एक साइड का निशान आ गया है दोस्तों। अब यहाँ से हम तकरीबन 1.5 इंच नीचे रखेंगे, और यहाँ से हम जैसे 3 इंच इधर लगाया था, 3 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी हम गोलाई देंगे। जैसे ये वाली हमने गोलाई दी है, ये सेब हमारी अलग आ जाएगी और ये वाली अलग आ जाएगी। अब हमने दोस्तों, जैसे ये हमारा सेंटर का निशान है, आधा इंच इस साइड लेना है और आधा इंच इस साइड। ये अब हम दोनों निशानों को इस तरीके से क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने दोनों निशान क्रॉस कर लिए हैं, तो हमारी नोक यहाँ पे आएगी इस तरीके से, और एक नोक नीचे वाली ये आएगी इस तरीके से। और यहाँ से तकरीबन हम 2.5 से 3 इंच का निशान लगाएंगे, इस साइड भी 2.5 से 3 इंच का निशान लगाएंगे।
यहाँ पे हमें गोलाई देते हुए इसी तरीके की शेप बनानी है डिजाइनर इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम ये गला कट कर लेते हैं। यहाँ से हम पट्टियाँ शुरू करेंगे दोस्तों लगानी, और जितनी भी हमारी गैप के हिसाब से पट्टियाँ आएंगी उतनी हम इसमें यहाँ पे जो ब्लू कलर का मैंने ये कपड़ा लिया है ये पट्टियाँ हम लगाएंगे। दोस्तों जो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का गैप बताया था, ये 2.5 इंच का गैप मैंने इसलिए बताया था कि यहाँ से हम पूरे पीस में इस तरीके से ढाई ढाई पे निशान लगाते चले जाएंगे गोलाई पे इस प्रकार। तो ये हम हमारी जो सेव आएगी इस तरीके से आएगी गोलाई में। इस प्रकार दोस्तों ये हमारी सेव आ जाएगी बिल्कुल प्रॉपर एक गोलाई में। तो ये 2.5 इंच तक हम पट्टी लगाएंगे, फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से नीचे पट्टी लगाएंगे। अगर हमें ये पट्टी अच्छी लगेंगी तो नीचे नहीं लगाएंगे, अगर हमें ज़रूरत लगी तो एक पट्टी हम नीचे की साइड भी डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लू कलर का जो कपड़ा लिया है हमने इसकी पट्टी कटिंग करते हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर का कपड़ा बिछाया है यहाँ से हम रेब की पट्टियाँ कटिंग करेंगे इस प्रकार। दोस्तों रेब की पट्टी कटिंग करने का मैं आपको सही तरीका बताऊँ, जो हमारी कन्नी वाली साइड है उसमें से हम सेम नाप लेते हैं जैसे 15.5 है, और इस साइड से भी हम 15.5 रखेंगे। यहाँ से हम निशान लगाएंगे, ये 1.5 इंच का हमारा स्केल होता है, इसमें 1.5 इंच की हमें पट्टियाँ काटनी है। इसी प्रकार हम रेब की 4 से 5 पट्टियाँ कटिंग कर लेते हैं। प्रकार दोस्तों मैंने ये सभी पट्टियाँ कटिंग की है, अब हम इनको लगाने की शुरुआत करेंगे। इनको हम नीचे की अंदर की साइड से लगाते हैं ऐसे, जो हमारे पेपर पेस्टिंग किया था वो हम ऊपर की साइड रखेंगे, और एक साइड से ये पट्टी लेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इस प्रकार यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने एक पट्टी लगाई है इसमें मैंने एक पैर की सिलाई लगाई है। इसका अगर आपको कहीं से ज़्यादा मार्जिन लगता हो तो वो आप काट सकते हो, इसको बराबर मार्जिन रख लो क्योंकि ये सबसे पहली पट्टी होगी हमारी जो गले के साथ साथ आएगी। इसको हम इस साइड से डबल फोल्ड करते हुए इस प्रकार ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे।
प्रकार दोस्तों हमने एक पट्टी ये लगा ली है, एक पट्टी दोस्तों हमने पक्की लगवाएगी हमारी। ये यहाँ से गला हमारा बिल्कुल तैयार हो जाता है एक साइड से, ये मैं नीचे की साइड दिखाऊंगा आपको और ये ऊपर की साइड। अब इसी प्रकार हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। दूसरी पट्टी लगाने का जो तरीका होगा हमारा वो इस तरीके से होगा, यहाँ से हम इस पट्टी के साथ में इस साइड से हम ये कपड़ा मिलाएंगे जो हम दूसरी पट्टी लगा रहे हैं इस प्रकार, और इसके साथ में मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पे दूसरी पट्टी की सिलाई लगाई है। अब हमें जो इसका मार्जिन होता है उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार इस पट्टी को ऐसे हम फोल्ड करेंगे तो ये भी हमारी तैयार पट्टी आएगी। इस तरीके से दोस्तों हमने दो पट्टियाँ ये लगा ली हैं। अब हम यहाँ तीसरी, चौथी और पांचवी पट्टी इसी तरीके से लगाएंगे, जितनी हमारी 2.5 इंच तक आएंगी वहाँ तक हम पट्टी लगाते जाएंगे। ये पट्टी हम दोस्तों दूसरी पट्टी के साथ साथ में इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा गैप बिल्कुल सही रहे, गैप बड़ा छोटा ना हो। ऐसे ही तीसरी पट्टी की हम सिलाई लगाते हैं और इसको भी इसी प्रकार फोल्ड कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारी चौथी पट्टी आएगी, इसको भी हम इसी प्रकार फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी ये चार पट्टी आ जाती हैं तैयार होके। अब हम देखते हैं, जैसे हमने मैंने बताया था 2.5 से 3.25, ये हमारा 2.5 इंच पे सभी पट्टियाँ 2.5 से 3.25 पे तैयार आएंगी यहाँ पे। तो हमारी ये चार पट्टी ही यहाँ पे तैयार रहेंगी दोस्तों। एक पट्टी हम इस साइड लगाएंगे यहाँ पे।
यहाँ पे लगाने के लिए हम फिर रॉन्ग साइड लेंगे, कमीज का फ्रंट ऊपर की साइड रॉन्ग साइड रखेंगे और इस पट्टी को फिर डबल करेंगे यहाँ से। और एक पैर चौड़ी सिलाई लगाएंगे यहाँ। अब हम अंदर वाला पीस जो ये पट्टी लगाई है इसको भी सेम इसी तरीके से बाहर की साइड फोल्ड कर देंगे। ऐसे दोस्तों, तो इस साइड से भी हमारा ये गला पक्का हो जाता है, तैयार हो जाता है। अंदर की साइड ये आएगी हमारी पक्की लब, और इस साइड से भी दोनों साइड ये तैयार होने के बाद जो बीच में हमने कट लगाया था, ये वाला कट छोटा था, यहाँ पे हम पाइपिंग या पट्टी भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं। आप इसको इसी तरीके से सिंपल फोल्ड भी कर सकते हो, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। दोस्तों ये सभी पट्टी लगा के हमें बहुत ही खूबसूरती से गला तैयार किया है। अब जो हमारा ये कट है इसको हम तैयार करते हैं। इस कट को तैयार करने के लिए मैंने एक छोटा सा बुकरम का पीस लिया है, ये वाला। इसको हम दो दो साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं कपड़े के ऊपर इस तरीके से। जैसे मैंने इधर रखा है इस साइड भी ऐसे रखा है। ये बुकरम की पट्टी दोस्तों मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिए, एक साइड हमारा कपड़ा आ गया है और एक साइड से ऐसे आएगी। तो ये रॉन्ग साइड हम ऊपर की साइड रखेंगे जिसमें बुकरम नजर आती है, और यहाँ पे इस प्रकार हम सेंटर में रखते हुए सिलाई लगाएंगे। जितनी चौड़ी पाइपिंग निकालते हैं उतनी चौड़ी मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब ये नीले वाला कपड़ा इस प्रकार हम सीधी साइड रखेंगे, और यहाँ से जहाँ पे हमारी ये सिलाई लगी थी सेम उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। ये जो सिलाई लगाई है हमने, अब हम बीच में से इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नीचे वाला कपड़ा जो आएगा हमारा इस तरीके से आ जाएगा, और दूसरी साइड पाइपिंग आ जाएगी हमारी इस तरीके से। ये पाइपिंग आएगी, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको हम फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग निकालेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हमने ये पाइपिंग यहाँ पे निकालनी है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे
इस तरीके से। अगर ये बाहर वाली साइड हमारी निकलती है तो एक बार फिर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे बड़े ही सुंदर तरीके से हम पाइपिंग निकालेंगे। इस साइड भी हम सेम ऐसे ही पाइपिंग निकालेंगे। इस तरीके से हम जो ये कट है उसमें पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। पाइपिंग निकालने के बाद दोस्तों जो ये हमारा कपड़ा बच जाता है इसको हम थोड़ा थोड़ा कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद इसको हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों साइड फोल्ड करने के बाद हमारा ये कपड़ा अंदर की साइड ऐसे चला जाएगा और यहाँ पे इसकी अंदर की साइड की फिनिशिंग बहुत अच्छी से आ जाएगी दोस्तों। यह हमारा गला नीचे की साइड से आएगा और इधर से आप देखोगे तो ये हमारा गला सीधी साइड से ऊपर तैयार हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों इस कट को बंद करने के लिए हमने एक डोरी पलटनी है। डोरी पलट के यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे जिससे कि ये बंद हो जाएगा और ऊपर की साइड हमारे बटन लगेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने नीचे की साइड ये पोटली बटन लगाने हैं। ये बटन मैंने तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। एक बटन मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगा। हमने रुई लेनी है, रुई का छोटा सा पीस लेना है इस तरीके से, उसको फोल्ड करते हुए एक गोलाई की शेप में ले लेना है। गोलाई की शेप में जब ये हमारा रुई आ जाएगी तो इसको हम कपड़े के बीच में इस तरीके से रखेंगे और इस प्रकार रखते हुए यहाँ पर एक कपड़ा फोल्ड करते हुए एक गोलाई बना लेंगे, गोल इस तरीके से। गोल शेप जैसे ही बनेगी हमारी, यहाँ पे हम इसके साथ में कपड़ा इस तरीके से धागा लपेटेंगे कपड़े के ऊपर। ये धागा जैसे ही हमारा इस तरीके से लिपटता है, यहाँ पे हम इन्हें एक जो डोरी पलटी हुई है इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी गोलाई के दोनों साइड इस तरीके से फिर एक बार धागा इस तरीके से लपेट लेते हैं। ऐसे हम 7 से 8 बार जैसे ही धागा लपटेंगे तो ये लपेटने के बाद हमारा पोटली बटन इस तरीके से तैयार हो जाता है। यहाँ से हम मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा कट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये सभी पोटली बटन तैयार हो गए हैं। अब हम इनको यहाँ पे अटैच करेंगे। पोटली बटन लगाने के लिए हम एक साइड से शुरुआत करेंगे इस प्रकार, और जहाँ जहाँ पे भी हमारी ये नीली पट्टी आएगी उसी के बिल्कुल सामने हम पोटली बटन लगाएंगे ऐसे। पोटली बटन लगा कर दोस्तों हमने ये गला तैयार कर लिया है।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।